नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अब नहीं चलेंगे झोलाछाप डॉक्टरों के अस्पताल क्लिनिक। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार से डॉक्टरों की कमी नहीं है और सरकार ने ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसी बात को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, जिससे किसी मरीज को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पिछले समय में डेंगू को लेकर सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं कराई गई थी। गांव गांव में जाकर टीमों ने सर्वे और निरीक्षण किया, हर मरीज को पूरी सुविधा दी गई। इस बात को लेकर झोलाछाप डॉक्टरों ने फायदा उठाया और लोगों से डेंगू के नाम पर ठगी करने लगे। तो वहीं दूसरी ओर कस्बा बीवर की मोटा रोड पर स्थित कृष्ण क्लिनिक तथा नबीगंज में बंगाली डॉक्टर तथा ग्राम खजूरिया के अलावा बालाजी क्लिनिक बिलसड़ा तथा दिनेश शाक्य को 3 दिन का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य कई जगह अस्पताल का बोर्ड लगाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम भी किया जा रहा है। इस बात पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी एक टीम को नियुक्त कर दिया गया और इसने जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जिसमें मैनपुरी जनपद में कई डॉक्टरों के फर्जी अस्पताल क्लिनिक बंद कर दिए गए। आरसी गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी फर्जी तरीके से इलाज कर रहा है उन सारे अस्पतालों में तथा क्लिनिकों पर नोटिस भेज दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी पैथोलॉजी गलत तरह से जांच करके भेज रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आरसी गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। देखिए ब्यूरो रिपोर्ट, अजय सिंह भास्कर। सर, किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम बेवल में पहुंची है और वहाँ पे कुछ मामले ऐसे आए हैं जो फर्जी हॉस्पिटल खोले हुए हैं, और क्या है मामला? बेवल में एक हॉस्पिटल की शिकायत मिली थी कि वो जो गलत तरीके से किसी का इलाज कर रहे थे, उन्हें लिखित शिकायत की थी। उसी संबंध में टीम गई थी। डॉक्टर शर्मा थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका जो है क्लिनिक को सील कर दिया गया है और साथ में वहाँ पर कई पैथोलॉजी लैब और हॉस्पिटल्स को नोटिस भी दिया गया है कि जो लोग भी नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उन सबके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जो हॉस्पिटल खोले हुए कई बेवर में, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? और उनकी शिकायत मिली, उन पत्रों की जांच होगी, रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब जैसे एक कृष्णा क्लिनिक है हॉस्पिटल के नाम से खोले हुए हैं और उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कोई बाहर के लोग हैं और इलाज कोई और कर रहा है, तो क्या इसमें कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल होगी। अगर उसमें कोई बाग डॉक्टर वहाँ नहीं रहते, जिन डॉक्टर के नाम लगे हैं उनके नाम नोटिस इशू होगा, वहाँ के बताएं कि वहाँ रहते हैं अथवा नहीं रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है निरस्त कर। अच्छा, इस वक्त डेंगू का क्या स्थिति है सर? डेंगू के इक्का दुक्का मरीज निकल रहे हैं, कहीं कोई आउटब्रेक नहीं है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लेकिन कृष्णा जो क्लिनिक चल रहा है मोटा रोड पे, इन पे पूरा डेंगू का ही इलाज कर रहा है और ऐसी भी शिकायत है कि एक दो लोग परेशान होकर वो चले भी गए हैं और डेंगू निकाल के खुद ही जांच करके इलाज कर देते हैं। वो अफवाह फैला के या NS1 किट से निकाल करके डेंगू दिखा देते हैं, लेकिन NS1 से अगर पॉजिटिव आए तो उसको पॉजिटिव तब तक नहीं कहेंगे कि जब तक एलिसा टेस्ट में पॉजिटिव ना आ जाए, तब तक डेंगू पॉजिटिव नहीं मानते हैं। और बेवर की तरफ एक गांव में भी बुखार की हम लोग को शिकायत मिली थी, तो वहां पे काफ़ी सारे मरीजों के सैंपल भेजे गए जिला अस्पताल एलिसा टेस्ट के लिए, लेकिन किसी में डेंगू की पुष्टि नहीं हुई एलिसा टेस्ट में। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, किस तरह निकाल रहे हैं, पैथोलॉजी लैब उनका रजिस्टर्ड है या नहीं है, और हॉस्पिटल के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। जी, बिल्कुल होगी कार्रवाई। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।